लेकिन जो हम आज आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो वाटर फ्लो सिस्टम दे रखा है कूलिंग के लिए। 150 केजी पर आवर का प्रोडक्शन मिलता है। दोस्तों पहले समय में गेहूं पीसने के लिए कुछ इस तरह की आटा चक्की इस्तेमाल किया जाता था जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी और इनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई रहता था। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको गेहूं पीसने की एक ऐसी मशीन दिखाने जा रहे हैं जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा कम लगती है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा कम है। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं गेहूं पीसने वाली मशीन के पास। ये है गेहूं पीसने मशीन का पूरा सेटअप, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों मैं शिल्पी से आप स्वागत हूँ टेगल लेडी में। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। सर आप हमारे व्यूअर्स को आटा चक्की के बारे में पूरी जानकारी बताइए। मैं सबसे पहले टेक्निकल लेडी का फिर से स्वागत करूंगा हमारी फैक्ट्री में, जो आपके लिए आज एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आए हैं। पत्थर की आटा चक्कियां आप सबने देखी होंगी, जो ट्रेडिशनल आटा चक्कियां होती हैं उनसे हट के आजकल स्टोनलेस पल्वराइजर, स्टोनलेस आटा चक्कियों का ज़माना है, जहाँ पर आपको कम मेंटेनेंस के साथ और बड़ी ही आसानी से जालियों को चेंज करते हुए अपने आटे की पिसाई बड़े आराम से आप कर लेते हैं। इसी में ही हल्की मशीन्स हर जगह सेल आउट हो रही हैं, आपने देखी होंगी इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हल्की छोटी 5 HP 10 HP के पल्वराइजर सेल आउट करते हैं, लेकिन जो हम आज आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं ये स्टोनलेस फ्लोर मिल का काम करती है, जहां पे आप पत्थर की आटा चक्की से जहां आप 200 किलो 150 किलो का एक घंटे में प्रोडक्शन लिया करते थे उसके बराबर प्रोडक्शन देने वाली स्टोनलेस फ्लोर मिल कैसी होती है, आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्टोनलेस फ्लोर मिल का प्लांट है क्लीनिंग मशीन के साथ। तो ये जो सेंटर में आप मशीन देख रहे हैं ये आपकी डबल चेम्बर की 15x8 इंच की स्टोनलेस फ्लोर मिल है। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लोर मिल 15 HP के मोटर से चलती है। इसमें तकरीबन आपको 150 केजी पर आवर का प्रोडक्शन मिलता है महीन और बारीक आटे का, जिसमें 2 नंबर की जाली लगा के हम ये प्रोडक्शन लेते हैं। दोस्तों हम आपको इस मशीन के साथ कंप्लीट सेट देते हैं, आइए मैं सेट दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको मशीन दिखाई, अभी इसका विस्तार से चेम्बर भी दिखाएंगे किस तरीके से का होता है, किस मजबूती से हमने इस मशीन को बनाया है और क्या क्या सिस्टम इसमें होते हैं, आइए। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसकी क्लीनिंग मशीन है। दोस्तों क्लीनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप अपना आटा बढ़िया मार्केट में भेजना चाहते हैं जिसमें आपको किरकिराहट की या गंदगी की गुंजाइश नहीं चाहिए तो क्लीन करिए गेहूं को सबसे पहले। ये आपकी 5 HP की मल्टीग्रेन क्लीनिंग मशीन है, जिसमें हमने आपको यहाँ पे एक रूला भी दे रखा है। दोस्तों रूला आप कह लीजिए, वीट क्रशर कह लीजिए, ये जो है आपके गेहूं से लिपटी हुई सारी गर्द को हटाता है, साथ में आपका छिलका भी उतारता है गेहूं का। तो ये तो ग्रेडर हो गया, क्लीनर हो गया, इसमें साथ में ही मशीन में मैंने एक ब्लोअर सिस्टम दे रखा है, देख सकते हैं आप दोस्तों ये ब्लोअर सिस्टम है। इस ब्लोअर सिस्टम से जितनी भी उड़ने वाली हल्की इम्प्योरिटी होती है ये निकाल के बाहर कर देता है पीछे से। दोस्तों कम से कम 4 जगहों से इस मशीन में अलग अलग तरीके की इम्प्योरिटी एक ही बार में निकल जाती है। उसके बाद जब आप गेहूं प्रोक्योर कर लेते हैं फिर आपका बारी आती है गेहूं की पिसाई की। पिसाई के लिए मजबूत मशीन होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि ये अपने आप में एक आधुनिक मशीन है। स्टोनलेस पल्वराइजर में एक सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के दिमाग में होता है कि चेम्बर इसके गर्म पड़ जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं इसमें हमने आपको वाटर फ्लो सिस्टम दे रखा है कूलिंग के लिए। ये नॉब है और ये नॉब है, इस नॉब में हम पाइप के थ्रू पानी की सप्लाई करते हैं जो चेम्बर के सब तरफ घूम के चेम्बर को कूल रखता है। तो ये तो आपकी हो गई कूलिंग सिस्टम की बात, फिर आते हैं इसके चेम्बर के लिए। ये इसका सिंगल चेम्बर है, एक चेम्बर इसके अंदर होता है, ये प्रोटेक्शन स्क्रीन दे रखी है हमने ताकि मोटर पे लोड ना पड़े और बेहतर तरीके से ये काम करे। तो मैं आपको कूलिंग सिस्टम दिखा रहा था, इसका कूलिंग सिस्टम में इसमें बहुत ही आसान तरीका है आपको पानी देने का आपके चेम्बर में। ये पाइप के थ्रू आप देख रहे हैं, इसमें नोजल दी हुई है, एक नोजल यहाँ है एक नोजल इस साइड रहती है, तो दोनों तरीके की दोनों तरफ नोजल लगा के आप एक ड्रम में पानी भर सकते हैं अलग से, और इसमें हम एक पंप आपको अलग से देते हैं साथ में, जो पंप आपको इस सिस्टम में पानी लगातार जनरेट करता रहता है। तो दोस्तों ये तो आपका पानी कूलिंग सिस्टम का सारा सिस्टम हो गया इस मशीन का, जिससे चेम्बर ठंडा रहता है
आटा जलने की शिकायत नहीं आती है। फिर इसके अलावा ये जाली सिस्टम है इसका, जो स्क्रीन रहती है सेपरेट स्क्रीन, और ये इसके अंदर का चेंबर है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। 15x8 साइज होता है इसका पूरे चेंबर का कंप्लीट, और ये आपको तकरीबन 1.5 क्विंटल पर आवर का प्रोडक्शन देता है। तो ये अपने आप में बहुत मजबूत मशीन बनी हुई है। तो ये तो आपका चेंबर सिस्टम हो गया, मजबूत मशीन है, 1.5 क्विंटल पर आवर आपको देती है। अब आपको मैं इसको दिखाता हूँ इसमें से आटा निकल के जाता कहाँ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने इसमें जो बैरिंग सिस्टम दिया है आपको, ये ऑयल गेयर ऑयल बेस्ड बैरिंग सिस्टम है, 1.5 लीटर गेयर ऑयल इसमें पड़ता है, जो आपके मोटर्स के जो बैरिंग हैं, जो आपके शाफ्ट के बैरिंग हैं, उनको ख़राब होने नहीं देता है। साथ में इसमें बड़ा ही मजबूत ब्लोअर सिस्टम हमने दिया हुआ है, आटा पिसने के बाद सक्शन के थ्रू ब्लोअर में आता है, फिर इस पाइप के थ्रू सीधा साइक्लोन में होता हुआ एयरलॉक में आ जाता है। यहाँ पे आटा ठहरता है ताकि अलग अलग जगह पे उड़े ना, उड़ने की गुंजाइश नहीं होती। एयरलॉक सिस्टम इसीलिए लगाया जाता है कि ब्लोअर से माल आने के बाद उड़े ना, तो आपकी जगह पे गंदगी कम होती है। फिर वो ग्रेडर में गिरता है आके, ग्रेडर इसको छानता है वाइब्रेशन के थ्रू। यहाँ पे एक मोटर लगी होती है जिससे ये वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे यहाँ से छन के फाइनल आउटपुट आपको मिल जाता है, और जो भी इम्प्योरिटी होती है जो आपको छानना हो वो यहाँ से बाहर चली जाती है। तो ये मशीन दोस्तों अपने आप में ही एक बड़ी ही सक्सेसफुल मशीन है, जो कि स्टोनलेस फ्लोर मिल कहलाती है, 150 kg प्रोडक्शन की। अगर आपको इससे ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होता है तो इस तरीके की मल्टीपल फ्लोर मिल्स हम आपको इंटरकनेक्ट करके देते हैं, 300 kg, 400 kg, 500 kg, आपको जितना भी प्रोडक्शन चाहिए आप ये प्रोजेक्ट पूरा कस्टमाइज और ऑटोमेटिक बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिए, अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यह मशीन काम करती है। इसकी वर्किंग वीडियो के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल लेडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।